तो हमें क्वेश्चन दिया गया है द फैमिलीज ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है फॉर एन इक्वल टू माइनस वन एंड एन इक्वल टू प्लस वन रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और हमें पता करना है कि वो सॉल्यूशन किस फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो पहले हम n इक्वल टू माइनस वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम n इक्वल टू वन के लिए सॉल्व करेंगे। तो n इक्वल टू माइनस वन यहाँ डाल दीजिए तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई वाई टू द पावर माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया माइनस वाई बाई एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई, वाई को हम इधर ले आए, इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स को हमने उधर भेज दिया। तो ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई और इसका हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस टर्म को इधर ले आइए तो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स वाई इक्वल टू सी, सी एक कांस्टेंट है तो सी को हम ए स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, ए यहाँ पर एक अनदर कांस्टेंट है, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये होता है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। तो जब हमने n की वैल्यू माइनस वन डाली डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें फैमिली ऑफ हाइपरबोलास मिला यहाँ। अब हम सॉल्व कर लेते हैं n इक्वल टू वन के लिए भी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप n इक्वल टू वन डाल दीजिए तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई वाई, इनके जगह हमने वन डाल दिया, वाई को इधर ले आइए डी एक्स को इधर भेज दीजिए तो हमें मिल जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू और इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, और एक हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। इस टर्म को आप इधर ले आइए तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी, टू का इधर भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी। टू सी को हम अनदर कॉन्स्टेंट मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू ए, ए भी एक कॉन्स्टेंट है जो टू सी के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और ए को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ सर्कल। तो जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में n के जगह 1 डाला तो हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल गया। तो जब हमने n इक्वल टू माइनस 1 डाला तो हमें फैमिली ऑफ हाइपरबोला मिला, और जब n इक्वल टू 1 डाला तो हमें फैमिली ऑफ सर्कल मिल गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि n इक्वल टू माइनस 1 पे हाइपरबोला मिलता है और n इक्वल टू 1 पे सर्कल मिलता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।